राइट, सो वी आर बैक विद आर प्लानर फॉर अक्टूबर. अक्टूबर का जो प्लानर है वो मैं आज रिलीज कर रही हूँ. आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ इटसेल्फ यू विल फाइंड, ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड दिस इज आर अक्टूबर प्लानर विद अ लॉट ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी बेस्ड पॉइंट्स. तो इससे जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है वो डिसहार्टन मत होना. मैं आपको साथ साथ टिप्स देते रहूंगी, हाउ कैन यू चेंज इट एंड वॉट कैन यू डू टू मेक दिस प्लानर योर्स, और थोड़ा उसको पर्सनलाइज कैसे करेंगे, ठीक है. सो विद अक्टूबर एंड हैप्पी अक्टूबर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पेज सेकेंड रिमेन सेम. पेज सेकेंड वही है जो हमारा सितंबर में था. इट्स अ मंथ आउटलुक. उसमें आप ये कर सकते हो कि आपके जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन बहुत ज्यादा आ रहा है, सो इफ यू हैव सम यू नो फंक्शंस ऑलरेडी प्लान, तो उसको आप मार्क कर लो पहले से, ठीक है. उसको आप पहले से मार्क कर लो ताकि वो दिन आपके दिमाग से हट जाए कि भैया कैलेंडर में मेरे पास ये टाइम नहीं है टू प्रिपेयर. सो इफ आई हैव 4 वीक्स, उसमें से मैं 3 दिन 4 दिन या हो सकता है 1 हफ्ते तक बिजी हूँ, तो बाकी मेरे पास 3 हफ्ते हैं, उसमें कैसे मेरे को एडजस्ट करनी है चीजें वो मेरे को देखनी पड़ेंगी, ठीक है. सो यू कैन सिंपली डू द बेस्ट थिंग इज कि आप उस दिन को स्ट्राइक आउट कर दो कि ये 5 दिन मेरे पास नहीं है, मैं इधर बिजी हूँ पूरा, तो ये 5 दिन छुट्टी है, चाहे वॉट एवर आई एम एंजॉइंग, घूम रहे हैं, ये वो जो भी चीज है, आप उस चीज को उतना उतना हटा दो, है ना, ताकि प्लानिंग में क्लैरिटी हो कि हाँ जब छुट्टी यहां मिलेगी तो यहां ले लेंगे, बाकी अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है. ओके, सो द सेकेंड पेज रिमेन सेम बट द थर्ड पेज इज न्यू. थर्ड पेज में आपके पास टास्क है. फॉर एवरी डे यू हैव अ टास्क एंड द डे यू कंप्लीट द टास्क आप उसको टिक कर दोगे या सर्कल कर दो या उस पर एक क्रॉस लगा दो, सिंपल. सो जैसे 1st of October एक सिंपल सी चीज है. All of them are very small, small, small tasks, but they are good for your mental health. Good to get that process started. कि हाँ चलो मैंने planner में एक चीज है वो मैंने करी, अब मैं next क्या करूँ, तो आपको एक accomplishment की feeling आएगी and you will realize that जिस चीज को आप decide करते हो आप करते हो, ठीक है. It doesn't have to be a very big thing. बहुत बड़ा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ के लाना है, छोटी छोटी चीजें भी है, खुशी होती है ना वो वाली चीज. तो सबसे पहले take a walk outside, very simple, very small. But you can cross it off. Second day, exercise early in the morning. Do it, cross it off. Exercise could be anything. Maybe go for a walk again. Stretch kar lo. Thoda sa bhaag ke aajao, jogging kar lo. So all these things. Third day, listening to a calm song. Karte hi ho roz. But something, slowly, slowly, aapko pure hafte, mahine mein aisa lagega ki haan, dekho ye kaam huye. And these are good way of calming yourself down. Aapke mental balance ko, jo ki abhi itna dekh rahe piche, कोटा में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं सुसाइड के, सो समवेयर दीज थिंग्स ऑल्सो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी एड्रेस्ड, ठीक है. तो सिंपल सी चीजें जैसे हैव अ कप ऑफ टी, डोनेट समथिंग, सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट आप इनको करोगे ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है. सो दिस इज अ 30-day सेल्फ केयर चैलेंज विच यू कैन टेक एंड जस्ट कीप ऑन क्रॉसिंग थिंग्स दैट यू कीप डूइंग, ओके. अब आता है 4th page विच इज प्रोग्रेस ट्रैकर, जो कि लास्ट वाले प्लानर में भी था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है. इस बार थोड़ा पनेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में है. अब पनेट स्क्वायर क्या होता है, इट्स अ जेनेटिक्स टर्म, तो क्लास 12th और ड्रॉपर बच्चों को तो पता होगा, क्लास 11th वाले बच्चों को भी आइडिया नहीं है, बट ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय इट, ठीक है. एंड जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है वो क्या कर सकते हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैट, ठीक है. तो पहली चीज तो ये कि जो बच्चे क्लास 11th में है या साइंस में बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, आप लोग सिंपल इसको एक नॉर्मल ट्रैकर की तरह यूज करो. आप day 1 पे अपना टास्क कंप्लीट कर देते हो, जो भी आपने दिमाग में सोचा है या आपकी जो लिस्ट थी, टू डू लिस्ट अगर कंप्लीट होती है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट किट 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 स्क्रिबल ऑन इट एंड जस्ट कलर द बॉक्स, ठीक है, या क्रॉस द बॉक्स, या जो आप करना चाहो वहां पे, दिल बनाना चाहो, स्टार बनाना चाहो, क्रॉस लगाना चाहो, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू इज फाइन बाय मी, ठीक है. नाउ जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और क्लास 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करोगे, इट्स अ पनेट स्क्वायर, सो यू विल हैव टू सॉल्व इट, ठीक है. 1st of October को आप उस पनेट स्क्वायर के गेमीट्स बना दोगे एंड एवरी डे व्हेन यू कंप्लीट योर टास्क आप box 1 में day 1 पे पनेट स्क्वायर को कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बना रही हूँ अभी गेमीट, इसमें नहीं बनाऊंगी, मैं सॉल्व ही कर रही हूँ, सॉल्व मैं mid of October में कर दूंगी, ठीक है. तो सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो यू राइट योर एक्स वाई एंड ब्ला 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 एंड कीप गोइंग. तो आप 2nd day पे यहाँ पे फिल करोगे, 3rd day पे आप इसको फिल करोगे, 4th day पे यू विल फिल अप दिस पार्ट, ठीक है. एंड दिस गोज ऑन टिल 31st of October.
बढ़िया चंगा बढ़िया। एंड ऑब्वियसली टास्क कंप्लीट करोगे तो अच्छी बात है, टास्क नहीं कंप्लीट कर रहे हो स्टिल मैम पनीत स्क्वायर तो कंप्लीट कर ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सो दैट इज योर चॉइस एब्सोल्युटली, जस्ट मेक श्योर टेक अ डिफरेंट पेन मे बी, ठीक है, एक अलग पेन ले लो, एक रेड पेन ले लो और एक आपका ब्लू पेन है। जिस दिन टास्क कंप्लीट कर लेते हो उस दिन ब्लू पेन से भरो, जिस दिन टास्क नहीं कंप्लीट करते हो उस दिन रेड पेन से भरो एंड सी व्हाट्स द डिफरेंस गोइंग ऑन। आपको एक पूरे मंथ में पता चलेगा कि आप कितनी बार ऐसे टास्क ऑप्टिमली प्लान करते हो कि आप पूरे दिन में उसको कंप्लीट कर पाते हो, ठीक है। इट इज नॉट टू लेस, इट इज नॉट टू मच, इट इज जस्ट ऑप्टिमम एंड यू कैन कंप्लीट योर टास्क। बुद्धू नहीं बनाना है, खुद को बुद्धू बना रहे हो अगर प्लानर में झूठ कर रहे हो तो, क्योंकि मैं तो चेक कर नहीं रही और कोई और चेक भी नहीं कर रहा, कहीं मार्क्स भी नहीं मिल रहे। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज फॉर यू एंड इफ यू चीट सो देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज अ रेपिटेशन पेज। अब जो मैं बता रही हूँ वो चीज 4 हफ्तों तक रिपीट करा है मैंने, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वीक एट अ ग्लांस। वीक एट अ ग्लांस में मंडे ट्यूसडे से लेके आपका संडे तक का टाइमिंग है, जगह दी हुई है जिसमें आप 1, 2, 3, 4 अपने बड़े बड़े टास्क जो आप डिसाइड करते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे वो टास्क पूरे वीक में खत्म होते जाते हैं आप उसको इंडेक्स जैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। ये पेज आपका इंडेक्स जैसे यूज हो रहा है जिसमें कि आप उसको फिर टिक लगाते चलोगे, राइट। सो मंडे ट्यूजडे पहले से कुछ पता होती है ना चीजें, वीक में आपको पता होता है कि देखो सैटरडे को मेरे को बिजी हूं, मैं कहीं जाना है, खेलने जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, संडे को एग्जाम है मेरा, मॉक टेस्ट देना है, इस दिन रिविजन करना है, इस दिन स्कूल में पेपर है, इस दिन प्री बोर्ड है, इस दिन ये है वो, तो आपके पास कुछ चीजें होती है विच यू ऑलरेडी नो। सो यू कैन यूज दिस पेज टू राइट डाउन पूरे वीक में आप क्या क्या करोगे, टू प्लान योर होल वीक, एंड देन आप जैसे जैसे वीक में आगे बढ़ते जाते हो आप उसको टिक लगाते जाओ तो आपको अगेन एक इंडेक्स जैसे काम करेगा ये पेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर एक कोट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है विच इज एनसीईआरटी के जेनेटिक्स चैप्टर से उठाई हुई एक लाइन, ठीक है। अब आप उसको पढ़ोगे तो आपको बार बार वो लाइन रिवाइज हो जाएगी, आपको बार बार वो करके लाइन याद हो जाएगी, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू, ठीक है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है या क्लास 11th में है फिलहाल, आप उस लाइन को रिप्लेस करके इसी सेम पेज में नीचे लिख सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिमेम्बर, जिसको आप बहुत टाइम से याद करने की कोशिश कर रहे थे बट अब याद नहीं हो रहा था उसको लिख लो उस पेज में नीचे। पूरे वीक में आपको बार बार दिखेगा वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन बी अ डेफिनेशन, इट कैन बी अ फॉर्मूला, इट कुड बी एग्जाम्पल्स, इट कैन बी एनीथिंग, समथिंग दैट यू वॉन्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। वो आप नीचे लिखो इस पेज के इन 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 कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन एट द टॉप, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th में और ड्रॉपर है उनको बार बार लाइंस दिखेंगी, अपने आप चीजें कुछ दिमाग में याद होती चली जाएंगी एंड विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है डेली प्लानर। नाउ डेली प्लानर इस बार थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन बार 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 अपना जो काम कर रहे हो उसको टिक करते चल रहे हो ना। सो ये थोड़ा पूरे वीक का इंडेक्स और ओवरव्यू जैसे काम करेगा एंड देन कम्स योर डेली प्लानर। सो डेली प्लानर में आपके पास डेट है जैसे 1st of October 2023, आप डेट उस डे देख लो, मेरे को याद नहीं है डे बट चेक कर लो, ठीक है। टॉप टॉप प्रायोरिटी में आपके पास 2 से 3 चीजें आएंगी कि आज ये काम तो करना ही है, ठीक है। तो दिस यू कैन डू ऑन लास्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर ऑल्सो, 30th September को ये चीज करके बैठो, अच्छा कल ये काम करना है, तो 1, 2, 3 टॉप प्रायोरिटी क्या क्या है। उसके बाद टू डू लिस्ट में तो लंबी लिस्ट हो सकती है ना, कितनी भी जा सकती है लिस्ट, ठीक है। खाना बनाना है, मैगी बनाना है, कोल्ड कॉफी पीना है, ठीक है, कुछ भी लिस्ट बनाओ। सो दिस इज योर टू डू लिस्ट, यू फिल इन एवरी टास्क दैट यू हैव ऑन योर माइंड, नॉट नेसेसरली पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी टास्क हो सकता है जो आपको आज करना है। मम्मी ने बोला था सुबह छत से कपड़े उतार के लेके आने, अपने अपनी अलमारी साफ करनी है, कुछ भी जो आपको आज आपके दिमाग पे है। पर्पस क्या है प्लानर का, पर्पस ये है कि जो आपका दिमाग बार बार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ भी जाना है, वो भी करना है, उससे बात करनी है, ये भी करना, वो सारा जो खिचड़ी होता है ना, दैट शुड बी ऑन अ पेपर एंड नॉट इन योर ब्रेन। अननेसेसरली आपका दिमाग खा रहा है, आपको थका दे रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आपको थका थका फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना टायरिंग, कुछ टायरिंग नहीं हुआ है, बस वही थॉट्स को बार 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 सोच सोच के इतना बढ़ा लिया है, 4 काम थे सुबह से सोच सोच के रिपीट कर करके अपने दिमाग में इतना भर लिया है कि अब वो 50 काम जैसे लग रहे हैं, ठीक है। जो भी आ रहा है दिमाग में फटाफट लिखा, खत्म बात, ठीक। देन इज योर स्केड्यूल,
स्केड्यूल में आप लिख सकते हो आपका क्या, कहाँ कौन से लेक्चर्स हैं और कौन सा टाइमिंग है. सो यू सिंपली जैसे आपने लिखा कि सुबह 9 बजे से मेरा एक लेक्चर है फिजिक्स का, फिर 11 बजे आई हैव केमिस्ट्री लेक्चर, 3 बजे मेरे पास जूलॉजी का लेक्चर है, एंड देन 6 o'clock आई हैव बॉटनी लेक्चर. तो ये चीज़ आप मेंशन कर लो, ठीक है. बॉटनी ये सारा का सारा जो आपके लेक्चर का टाइमिंग है वो आपने लिख लिया. इसके अलावा व्हाट डू यू वांट टू डू, सेल्फ स्टडी 9 to 12 एट नाइट, तो ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है. अब सेल्फ स्टडी को और डिवाइड करना चाहते हो कि इस टाइम से इस टाइम क्वेश्चन उस टाइम, तो और डिटेल जा सकते हो, ठीक है. सो देयर इज क्वाइट इनफ स्पेस फॉर यू टू राइट एवरीथिंग, ठीक है. आप पूरा दिन डिवाइड कर सकते हो अपना. देन देयर सम जनरल पॉइंट्स, अगेन मैंने बोला कि मैं थोड़ा और कोशिश कर रही हूँ कि आप मेंटली जो आपका आपका डिस्टर्बेंस है, थोड़ा और टेंशन है चीज़ों को लेके, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज आप फील कर रहे हो, वो आपका पेपर पे आ जाए, ऑन पेपर आ जाए, सो यू फील मोर ऑर्गेनाइज एंड फील मोर प्लान्ड डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ओके. ऑलराइट, सो दिस इज अगेन वाटर. आज सुबह से कितना पानी पिया, सर्कल करते चलो, छोटे छोटे टास्क है दिन में जो आपको ऐसे फुलफिलमेंट वाला वो होता है ना कि हाँ चलो मजा आ रहा है काम करने में, कुछ कुछ करना है, कुछ इंजॉयमेंट हो रहा है, तो इट विल हेल्प इन दैट, ठीक है. अब नहीं हम तो एकदम लड़के और हम सर्कल नहीं करते, हम कलरिंग नहीं करते, तो क्रॉस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. जस्ट पुट अ क्रॉस, इफ यू वॉन्ट टू सर्कल इट यू कैन सर्कल इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस OMR सर्कलिंग अगेन यू कैन जस्ट गो फॉर दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम. इट्स टोटली, the task is not to complete the planner, the task is to relax your brain and get you more organized, okay. next, duration of your exercise, jitni bhi der aaj aapne walk kiya, aapne stretch kiya, aapne yoga kiya, aapne proper exercise kiya, aap bhagne gaye, aapne swimming kari, jo bhi aapne kiya, cycling kiya, so aap uska duration samne likho, because every day exercise is definitely important. wo aapko ek break deta hai puri zindagi ki bhasad se, ठीक है. तो वो 1 घंटे का टाइमिंग आप ये सोचो, वो इतना अच्छा टाइम है कि वो आपको हर चीज से सॉर्ट आउट कर रहा है, कि आपको टेंशन भी नहीं है उस टाइम, दूसरा क्योंकि सांस नहीं आ रही ना तो जान बनाती है, तो इट्स अबाउट सर्वाइवल एट दैट टाइम. तो आपको कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई की उस टाइम पे, आप स्क्रीन भी नहीं देख रहे हो, तो अगेन वो स्क्रीन से भी आपको थोड़ी देर ब्रेक मिल रहा है, एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, ठीक. फिर जो कि मैं बार बार एम्फोसिस दे रही हूँ, सेल्फ स्टडी आवर्स एज वेल. तो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपने कितने आवर्स दिए डेली, आपका टारगेट है 2 आवर्स, परफेक्ट, ठीक है. आपका स्कूल है सुबह, शाम को कोचिंग है, तो आप 2 घंटे से ऊपर नहीं दे पाओगे, तो 3 at max, 2 to 3 hours a day ऑफ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी इज कोई वीडियो लेक्चर नहीं, कोई ऑडियो लेक्चर नहीं, किसी का किसी और की आवाज नहीं, सिर्फ तुम, एक किताब और तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हारी खोपड़ी में, दैट इज सेल्फ स्टडी, ओके. देन टाइम स्पेंड ऑनलाइन, इसको थोड़ा ट्रैक करो. लेक्चर्स का टाइमिंग लिखना चाहते हो तो जस्ट डिवाइडेड इनटू लेक्चर एंड वेला बनती, ठीक है, फालतू टाइम, सो यू कैन डिवाइड इट लाइक दैट ऑल्सो. सो लेक्चर के कितने आज आपने ऑनलाइन टाइम स्पेंड किया, और कुछ भी और मोटिवेशन XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, जहां पर भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हुआ है अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, राइट इट डाउन, ठीक है. तो आपका आपको पता चलेगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है. जो अभी आपको लगता है ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सेल्फ स्टडी का, पूरा दिन तो मैं यहाँ इधर उधर लगा देता हूँ, नहीं, लेक्चर्स का टाइम ठीक है तुम्हारे पास, अगर यहाँ पे 4 लेक्चर हैं और वो 4 लेक्चर 1.5-1.5 घंटे के हैं, और तुमने बोला कि हाँ इतना मेरा टोटल यहाँ पे लेक्चर में गया, ओके. अपार्ट फ्रॉम इट बी ट्रू टू, अगेन ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप चीट कर रहे हो इसमें तो फिर आप खुद को चीट कर रहे हो एंड नथिंग एल्स. ये चीज आपको बताएगी कि आपको रियलाइज होगा कि मेरे लेक्चर्स अगर 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के थे तो उसके ऊपर 2 घंटे मैंने और टाइम वेस्ट किया है, कहाँ किया है, क्यों किया है, देन वील स्टार्ट यू नो डिवाइडिंग दैट टाइम. पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ है, जब पता ही नहीं प्रॉब्लम कहाँ है तो हाँ मेरे पास पूरे दिन में टाइम ही नहीं है. यू रियलाइज यू हैव टाइम बट वो बस जा रहा है कहीं तो, ठीक है. देन सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, सो यू कैन जस्ट राइट. अगर आप डेली के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, केमिस्ट्री हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व, बॉटनी, जुअलॉजी, इफ यू हैव मैथ्स ऑल्सो, सो जुअलॉजी के साथ आप मैथ्स भी देख सकते हो. इसके बाद एनीथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इट्स जस्ट अ स्मॉल छोटा सा कॉर्नर फॉर
सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है, एंड एक जनरल छोटा पॉइंट आपके पास फॉर नोट्स, सो दैट इफ यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड, इट कुड बी पर्सनल, इट कुड बी स्टडी रिलेटेड, कुछ भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, कभी कभार बैठे बैठे एकदम अपने आप से बात करते कुछ कुछ ऐसे फिलोसफीस आ जाता है दिमाग में ना कि ओ माई गॉड क्या मस्त बात बोल दी मैंने, ठीक है, कुछ आइडिया आ गया दिमाग में, उसको लिख लो यहाँ पे. सो नोट्स कैन बी योर जस्ट छोटा सा कैनवस विच इज एनी थिंग दैट यू वॉन्ट यू कैन राइट, ठीक है, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. सो दिस इज एवरी डे, ठीक है, तो ऐसे आपको 30 लगभग 31 शीट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, एवरी डे लाइक दिस. एंड देन अगेन वीक एट ग्लांस, जिसमें आप दोबारा नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करोगे, और फिर एवरी डे, ओके, 7 days अ वीक आपके पास डेली प्लानर है, अगेन अ वीक एंड डेली प्लानर. सो दिस गोज ऑन फॉर ऑल 4 weeks, ठीक है, हर 4 weeks के लिए आपके पास सेम चीज है. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर पेज पे एक नया डिफरेंट फोटो है, सो दैट यू जस्ट लाइक इट, ओके. ऑलराइट, मॉक टेस्ट एनालिसिस का शीट एज सच है, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर द टोटल स्कोर, ठीक है. बाकी मैंने पहले भी जैसे बताया था, आप इसको भी वैसे ही भर सकते हो, वट एवर टॉपिक यू हैड, एग्जाम का डेट आप लिखो यहाँ पे, आप अपना फिजिक्स का क्या टॉपिक था वो और डिटेल में लिख सकते हो, केमिस्ट्री का क्या टॉपिक था उसको आप और डिटेल में लिख सकते हो, अगेन बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी. कोई भी बच्चा अगर किसी और फील्ड को बिलोंग कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट. इसे मैंने लिखा नहीं है पहले से सब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से, आप किस फील्ड को बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप ये सब्जेक्ट लिख सकते हो. इसमें कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए और कितने आपने छोड़े, ठीक है, वो आपको फिल करना है, एंड देन योर टोटल स्कोर. क्या होता है, दिस इज व्हाई यू वांट टू डू दिस. वन, आपको खुद को मदद होगी, आपको खुद को रियलाइज हुआ था अच्छा ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री का अच्छे से हुआ था, केमिस्ट्री सही हुआ था, फिजिक्स में गड़बड़ हुई थी इसलिए स्कोर लो आया, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे हुए थे, बायोलॉजी में गड़बड़ हुई थी, दैट मीन्स दिस टॉपिक रिक्वायर्स मोर अटेंशन. तो टॉपिक वाइज आपको पता चल जाएगा, और अभी क्योंकि रिविजन का टाइम आ गया है तो काफी सारे मॉक टेस्ट आप दोगे, एंड हेंस आपको जरूरी है प्लान करना, उसको रिकॉर्ड करना कहीं, ताकि दिसंबर एंड या जनवरी एंड तक आपको पता हो कि हमें कम से कम 50 पेपर दे दिए, 10 या 50 जितने दिए तुमने, उसमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, वो पैटर्न से आपको रियलाइज होगा कि आपको स्पेसिफिकली कहाँ काम करने की जरूरत है, एंड यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन और एनी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है. 70% जनता जानती है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, बट सॉल्व नहीं करना चाहती है, ठीक है. और इस 70 में से कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो कंफ्यूज है, हाँ सब कुछ ही दुनिया में खराब लग रहा है. तो मॉक टेस्ट प्लानर और एनालिसिस विल हेल्प यू एनालाइज योर मॉक टेस्ट इन अ बेटर वे, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, एंड देन विच पार्ट रिक्वायर्स मोर हेल्प, कहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया और कहाँ आपको कुछ पता ही नहीं है. इफ यू हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने ज्यादातर क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब आपने पढ़ा नहीं था टॉपिक एंड स्मार्टली इनफ आपने छोड़ दिए वो क्वेश्चन, है ना. दूसरा होता है अटेम्प्ट किए, इसका मतलब पढ़ा है, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, लेकिन सब कचरा हो रखा है अंदर, सब गोबर हो रखा है. तो उस चीज को समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, या जो पढ़ा है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, या मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा चल रहा है और मेरी शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है. क्योंकि पेपर में फाइनल जाके कई बार ऐसे हो जाता है, बच्चे बैठ के सारा अटेम्प्ट कराते हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक हाँ हाँ हमको सब कुछ आता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है. अंडरस्टैंड कहाँ पे कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत है और कहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है, वो सारी चीजें इस एनालिसिस से आपकी सॉर्ट होती चली जाएंगी, ठीक है. अगेन 2 sheets ऑफ मॉक टेस्ट एनालिसिस दैट इज अवेलेबल, एंड अ बेसिक हैबिट ट्रैकर, समथिंग दैट यू वॉन्ट टू ट्रैक. कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस मॉनिटर करना चाहते हैं, ठीक है. आप ये देखना चाहते हो आज पूरा दिन कुछ नहीं स्पेंड किया मैंने, नो एक्सपेंस टुडे, ठीक है. तो आप उस दिन ऐसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो कि आज कोई खर्चा नहीं हुआ, चलो बच गए, ठीक है. दिस इज जस्ट अ सिंपल हैबिट ट्रैकर, समथिंग दैट यू वॉन्ट कि आज मैं थोड़ा चीनी कम खाना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट मच ऑफ शुगर इनटेक, तो नो शुगर और लेस शुगर, किस किस दिन आपने अवॉइड किया वो चीज़, आप उसको क्रॉस आउट कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो. सो दिस इज जस्ट अ हैबिट विच यू वॉन्ट टू डिवेलप, ठीक है. या फिर आप इसको लास्ट मंथ, जैसे मैंने सितंबर प्लानर में बोला था, आप उसकी तरह भी कर सकते हो इसको फॉलो, कि हाँ चलो मैंने फिजिक्स के आज लेक्चर किया, थियोरी आज हो गया फिजिक्स का, सो यू कैन जस्ट गो बाय फिजिक्स थियोरी एंड केमिस्ट्री थियोरी,
सो यू कैन थियोरी वाइज यू कैन जस्ट क्रॉस आउट थिंग्स, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चंस के लिए इसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है कि बायोलॉजी क्वेश्चंस कितने कितने सॉल्व हो गए, ठीक है, तो वो मेरा डेली का सॉल्व हो रहा है, प्लस वन चैप्टर रिवाइज, ठीक है. आप क्योंकि अगेन रिविजन सीजन आ गया, तो यू कैन ऑल्सो एड रिविजन 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 ऑफ बायोलॉजी टू चैप्टर्स. तो अब आप डेली का सोच के बैठे हो कि दो चैप्टर तो मुझे रिवाइज करने ही है, बायो के दो चैप्टर रिवाइज करने हैं, केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करना है, सो यू कैन राइट केमिस्ट्री वन चैप्टर रिवाइज और रिविजन, देन यू कैन जस्ट क्रॉस आउट दैट ऑन द डेज दैट यू हैव प्लान्ड, ठीक है. तो आपको अगेन यू विल गेट इन टू अ हैबिट ऑफ इट. आप रिविजन के हिसाब से जा रहे हो, रिविजन करो, जैसे भी आप जो भी चीज को ट्रैक करना चाहते हो कि मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप डेली प्लानर में लिख रहे हो, यहाँ पे आप जस्ट क्रॉस करते जा रहे हो. हाँ, आई एम डूइंग इट रेगुलरली, ठीक है, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन रेगुलरली, आई एम आस्किंग डाउट्स रेगुलरली, आई एम अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली. तो आप अपना ही एक हैबिट का अटेंडेंस शीट बना रहे हो, ठीक है. एंड देन देर इज अ कॉन्सेप्ट शीट. अगेन अगर आप क्लास 12th में हो और आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको मदद हो जाएगी थोड़ा सा चीज रिवाइज करने में, अगर नहीं सो रिप्लेस इट विद एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू रिमेंबर, ठीक है. आप क्लास 11th में हो तो आप अपने अपने हिसाब से चार क्वेश्चंस बना लो, उनको रखो यहाँ पे, डाउट रख लो यहाँ पे, डाउट सॉल्विंग शीट बना लो, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, हाउ टू ट्रैक योर डाउट्स, दैट्स अ डिफरेंट शीट दैट आई विल शेयर, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल फ्लो चार्ट जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसका डेफिनेशन आप लिखोगे यहाँ पे, दिस इज विदाउट लुकिंग, ठीक है, देख के नहीं कर रहे हो ये काम, ये बिना देखे होगा तभी ये रिविजन कॉन्सेप्ट शीट है, ठीक है. टाइप्स टाइप्स में आपके पास आएंगे टेस्ट क्रॉस, इट इज नॉट एग्जैक्टली मोनोहाइब्रिड का टाइप, बट हाँ हम क्योंकि कंटिन्यूएशन में वही पढ़ते हैं तो एक रिविजन में हेल्प करेगा. टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस का डिफरेंस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे. देन रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, हो सके तो पनेट स्क्वायर भी बना दो यहाँ पे, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिविजन शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट्स कौन से लॉ आए थे मेंडल के, ठीक है. देन देर इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन लिखिए. टाइप्स टाइप्स के लिए यू कैन जस्ट मे बी जस्ट जस्ट मैंशन दिस, ओके, नो प्रॉब्लम. रेशियो आ जाएगा, ठीक है, रेशियो आपके पास आया. एंड देन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स कौन सा लॉ आया, उसके क्या एक्सेप्शन हैं. सिमिलरली आपके पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो लॉ आया था उसमें एक्सेप्शन है या नहीं है, और है तो कौन सा एक्सेप्शन है. डाईहाइब्रिड के टाइप्स में यू कैन मैंशन वाई वॉज दिस डन, ठीक है, उसका कहानी थोड़ा सा लिख सकते हो. सो दिस शीट इज जस्ट फॉर यू टू रिवाइज मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड इन वन गो, ठीक है. एक चीज और आप यहाँ पे कर सकते हो कि इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक अ पनट स्क्वायर और राइट द फॉर्मूलाज, ठीक है. हमने जब जेनेटिक्स पढ़ा है तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के टाइम पे मैंने आपको टाइप ऑफ गेमीट्स, नंबर ऑफ गेमीट्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सब के फॉर्मूलाज थे, याद है, उनको लिख सकते हो. तो वो चीज़ यहाँ पे एक बार आपके लिए रिवाइज हो जाएगी. तो ये रिविजन शीट के जैसे आप इसकी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है. आई होप दिस यू लाइक इट. देन देर आर टू सिंपल शीट्स फॉर स्क्रिबलिंग, दिस कैन ऑल्सो बी योर डाउट डाउट शीट. तो यहाँ पे आप जो भी आपके दिमाग में रैंडम क्वेश्चन आता है या रैंडम थॉट आता है उसको आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है. एंड जब टाइम मिले, जिस टीचर से टाइम मिले, वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ, पूछ रहे हो वो चीज, ठीक है. देन लास्ट इज अगेन ओएमआर. इस बार मैंने थोड़ा सा क्लियर ओएमआर शीट ढूंढने की कोशिश करी है, पिछली बार शायद वो थोड़ा सा उसमें ब्लरी था वो, बट दिस टाइम इट इज बेटर. एंड यू कैन यूज दिस टू सॉल्व मॉक टेस्ट, यू कैन यूज दिस फॉर नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन. आप सोच के बैठे हो आज मेरे को 100-200 क्वेश्चन बायोलॉजी के करने हैं, वीकेंड पे मैं रिवाइज करूंगा, चार चैप्टर हैं, चार चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, 20-20 क्वेश्चन करने हैं मुझे, तो ठीक है, जस्ट पिकअप प्रिंट आउट ऑफ एन ओएमआर शीट और साथ साथ सकलिंग की भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है. सो आपके पास एक तरीका आ जाएगा ऑफ प्लानिंग एवरीथिंग एंड प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, ठीक है, ताकि एंड में एकदम से यू ना हो जाए कि ओ माय गॉड ये क्या होता है, सर्कल कैसे करें, ब्ला ब्ला, ठीक है. आई होप दिस दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू.
प्लीज डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स दिस वीडियो, एंड ताकि उनको यूज कैसे करना है ये चीज वो समझ में आ जाए. और दूसरी चीज, एज आई सेड अर्लियर, प्लानर अगर मेरा है, क्योंकि मैं इस पे कहीं पर भी अपना नाम नहीं छाप रही हूँ, बड़ा बड़ा पीछे कोमल यादव नहीं लिख रही हूँ, वट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज डजन लुक नाइस. और जैसा कि तुमने ये देख के, इस प्लानर को देख के समझ लिया होगा कि मुझे सुंदर दिखने वाली चीज़ें पसंद है, ठीक है. तो मैं इसको खराब नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे बड़ा बड़ा पीछे ग्रे ग्रे छाप के. एंड अगर क्रेडिबिलिटी मिलना होगा कहीं, कभी कभी कहीं जाके, तो मिल जाएगा खुद ही. अगर नहीं मिलना होगा तो चुराने वाली दुनिया में बहुत है, और कॉपी करने वाली दुनिया में बहुत है, और चीज़ें कॉपी होती हैं, एंड ठीक है, ठीक है. या ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे हर चीज़ पढ़ाई हुई है, मेरा पढ़ाने का पूरा तरीका वहाँ है. कोई चाहे तो सीधा जाके उसको पढ़ के पढ़ा सकता है तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आप मुझे ट्रेस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधी जनता को पता ही नहीं आई एग्जिस्ट, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. बस मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हुएवर वॉचेस दिस वीडियो, उस तक ये बात पहुँच जाए कि दिस इज़ अ प्लानर दैट आई एम डूइंग. एंड फ्यूचर में अगर कुछ भी अलग क्रिएटिव कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है तो लोगों तक मेरे से पहुंचे, आई वुड लाइक इट, ठीक है. सो प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड ये थोड़ा हम रेगुलरली रखेंगे, 24th ऑफ एवरी मंथ आपको नया प्लानर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. आपको यहाँ पे मिलेगा, फ्री मिल जाएगा ऑन ऑन यूट्यूब, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. इसको कैसे कैसे फिल करना है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हो टू ट्रैक योर प्रैक्टिस बेटर, क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हो, क्या क्या यू नो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स. अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, एंड उसको आप आँख बंद करके फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑनलाइन है, डजेंट मैटर कौन किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, जब तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तब तक कोई इशू नहीं है, कहीं से भी पढ़ो यार, ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिमेम्बर, हाँ इस टीचर से पढ़ा था, यू विल नॉट रिमेम्बर कि हाँ इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था. तो ऑलवेज अ टीचर विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन यू कम्पेयर टू एन इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है. तो कहीं से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हजार जगह है, यूट्यूब भरा पड़ा है. एंड मे बी गाइडेंस इज समथिंग दैट इज मिसिंग, एंड पर्सनलाइज गाइडेंस इज समथिंग मिसिंग. और दूसरी चीज विच आई फील इज मिसिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ये मैं वीडियो के 30 मिनट के वीडियो के एंड में बोल रही हूँ, तो आधी जनता तो यहाँ वैसे भी नहीं पहुंची होगी. एंड इफ यू हैव रीच्ड हियर, कांग्रेचुलेशंस. द व्हाट आई फील इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन फॉर यू, सो यू डोंट नो हाउ टू डू देम व्हेन यू एक्चुअली हैव टू डू देम, है ना. ये तो वही बात हो गई ना कि मम्मी घर पे हमेशा से मैगी बना के देते जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, जबकि मैगी बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना. एक इंस्टेंट नूडल बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन घर में अगर आपने आपको किसी ने हाथ ही नहीं लगाने दिया है गैस को, पानी कहाँ से भरना है, कहाँ गैस पर रखना है, कितना फ्लेम, कितना पानी, तो तुम मैगी जैसी छोटी चीज का भी पोपट कर सकते हो, ठीक है. एंड नीड प्रिपरेशन इज समथिंग लाइक दैट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इज समथिंग लाइक दैट. नोबडी इज टीचिंग यू टू डू इट, सो तुम वो पहले स्टेप पे ही फेल हो जा रहे हो, ठीक है. एंड आई वॉन्ट, मेरी क्लासेस भी आपने देखे होंगे, तो मैं हमेशा डांट मार के यही बात बोलती हूँ कि प्लीज प्लीज अपने आप चीजों को करना सीखो, वरना ये सारी चीजें आगे जाके प्रॉब्लम बन जाती है ना. सो सिंपल इज दैट, ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ठीक है. अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, गाइडेंस में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू पुट इन योर फर्स्ट एफर्ट, ठीक. तो प्लानिंग के लिए मैं प्लानर दे सकती हूँ, बट उसको रोज फॉलो करना इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, राइट. सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच कैन हेल्प योर ब्रेन टू काम डाउन, ठीक है. आपके दिमाग को शांति दे और ढंग से चीजें प्लान करे, मैं वो चीज करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई होप दैट दिस ऑल्सो रीचेज एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल एंड थ्रू माई प्लेटफॉर्म. सो अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जो एल्गोरिदम को पुश करने के लिए जो भी जरूरी है, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, गाइडेंस, बेसिक पॉइंट, जनरल पॉइंट्स मैं यूट्यूब पे ऑब्वियसली डालते रहूंगी, पर्सनलाइज्ड इफ यू वांट टाइम टेबल, आपके हिसाब से बैठ के हम डिस्कस करके कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है और
जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता था पहले, उसमें यू वॉन्ट मी टू सिट विद यू एंड डिस्कस थिंग्स विद यू, कैसे क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड वी कैन डिस्कस. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सक्सेस.